हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्या क्लासेस। हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बारे में, जिसको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को एक और नाम से हम जानते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइस लेवल अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को हम दो नामों से जानते हैं, पहला हमारा है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड दूसरा हमारा है प्राइस लेवल अकाउंटिंग। तो आइए हम पहले देखते हैं कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है। तो बताया क्या है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कंप्राइजेज ए रेंज ऑफ अकाउंटिंग मॉडल्स डिजाइंड टू करेक्ट प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। अच्छा देखिए, यहां साफ साफ कह रहा है क्या होता है कि एक प्रॉब्लम, हमारे पास प्रॉब्लम अराइज होती है, करेक्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में जो प्रॉब्लम आती है उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन किस समय में, किस सिचुएशन में बताया गया है, उस सिचुएशन बताया गया कि हाई इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन, बताया गया है जब हाइपर इन्फ्लेशन हो या हाई इन्फ्लेशन हो, हाई इन्फ्लेशन हो या हाइपर इन्फ्लेशन हो, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बताया गया है कि उस समय जब हम हिस्टोरिकल अकाउंट बनाते हैं, अपनी जो अकाउंटिंग करते हैं हिस्टोरिकल मेथड से, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग करते हैं, तो उसमें तमाम तरह की क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। हिस्टोरिकल अकाउंट में तमाम तरह की प्रॉब्लम आती है और इन प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए, इनके हिस्टोरिकल अकाउंटिंग से जब हम अकाउंटिंग अपनी करते हैं कि सिचुएशन में जब हाई इन्फ्लेशन हो या हाइपर इन्फ्लेशन हो, तो अगर उस समय अगर हम हिस्टोरिकल अकाउंटिंग से अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो उस समय डिफरेंस वेरियस टाइप्स के हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं और उस प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए हम जो जिस अकाउंटिंग मेथड्स का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के नाम से हम जानते हैं। ओके, तो यहां पर कॉन्सेप्ट हमारा बहुत क्लियर है कि जब किसी किसी समय किसी सिचुएशन में, मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन किस में, मनी में, मुद्रा में, कि मतलब वस्तुओं में, एसेट लाइबिलिटीज के वैल्यू में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा हो, ठीक। तो उस सिचुएशन में बताया गया है कि जब हम अपनी अकाउंटिंग हिस्टोरिकल अकाउंटिंग के माध्यम से करते हैं तो उसमें बहुत सारे वेरियस प्रॉब्लम अराइज हो जाते हैं और उन प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए हम जिस अकाउंटिंग मेथड्स, जिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग या प्राइस लेवल अकाउंटिंग, यही बताया गया है। और यहां बताइए, देखिए बताया गया है व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहां पर इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया है, यहां पर जो कि इन्फ्लेशन का जिक्र किया गया है, तो इन्फ्लेशन को यहां पर डिफाइन भी कर दिया गया है, इन्फ्लेशन मींस एन अपवर्ड चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स सर्विस ऑफ जनरल कंजम्पशन, यानी जनरल कंजम्पशन में अगर किसी गुड्स की या सर्विस की प्राइस में अपवार्ड चेंजिंग होती है, यानी उसकी प्राइस बढ़ती जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2010 में अगर किसी एसेट की वैल्यू हमारी 2 लाख रुपये थी, ठीक है, एसेट की वैल्यू हम मान लेते हैं वो एसेट हमारी लैंड हो रही होगी, लेकिन ये 2011 में होकर कितनी हो जाती है, 4 लाख रुपये हो जाती है, यानी अपवार्ड चेंज हो गया ना, इसकी वैल्यू में चेंज हो रहा है, तेजी से इसके वैल्यू में चेंजिंग होती जा रही है, तो इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, इस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। इज ड्यू टू द फॉल इन टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये किसके कारण हो सकता है, ये किसके, मतलब ये टोटल सप्लाई गुड्स के या सर्विस के टोटल सप्लाई में कमी होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, बताया गया है इन्फ्लेशन हो सकता है। इन बैलेंस इन टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस
जब हमारे इम्बैलेंस होता है, टोटल सप्लाई जब हमारी कम हो जाती है और उसकी डिमांड अधिक हो जाती है, या सप्लाई अधिक हो जाती है डिमांड कम हो जाती है, तो ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का हमारा केस आ जाता है। बताया गया है चेंज इन जनरल प्राइस ऑफ बेसिक कमोडिटी, मतलब जनरल प्राइस माने सभी सभी वस्तुओं का प्राइस बढ़ रहा हो, सभी वस्तुओं का प्राइस बढ़ रहा हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ लैंड का प्राइस बढ़ता जा रहा हो, नहीं, सभी सभी चीजों का, अगर सभी कमोडिटी या सभी सर्विसेज की प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है एक मतलब अधिक हायर रेट से, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं नीड फॉर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की जरूरत हमें क्यों महसूस हुई, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की नीड से हमें क्यों महसूस हुई, या डिसएडवांटेज ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंटिंग इन इन्फ्लेशन, यानी इन इन्फ्लेशन के केस में, इन्फ्लेशन के केस में डिसएडवांटेज हिस्टोरिकल अकाउंटिंग के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, या ये इसके बारे में हम डिस्कस कर लें, या हम यह डिस्कस कर लें कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की जरूरत हमें क्यों महसूस हुई इन इन्फ्लेशन के सिचुएशन में। बताया गया अनरियलिस्टिक प्रॉफिट, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स इसका मतलब क्या है, बताया गया है अंडर द हिस्टोरिकल अकाउंटिंग सिस्टम डिप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट इन यूजली लोअर देन डेट ऑफ दोज कैलकुलेटेड एट करेंट वैल्यू। अच्छा, दिस रिजल्ट इन मोर प्रॉफिट विच इफ डिस्ट्रीब्यूटेड इन फुल देयर विल बी रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड अल्टीमेटली द कंपनी मे गो इनटू लिक्विडेशन। इसको समझते हैं, बताया गया है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो कंपनी है और दो कंपनियों का बैलेंस शीट हमारे पास दिया गया है, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी ए एंड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी बी। इसके पास क्या पड़ी हुई है, फर्नीचर पड़ी हुई है, ठीक है, हमारे जो मशीनरी इसके पास है, बैलेंस शीट में एसेट साइड की तरफ मशीनरी पड़ी हुई है, मशीनरी कितने रुपए की है, हम मानते हैं 2 लाख रुपए की है मशीनरी इसके पास, ओके। अब क्या होता है, इसके पास भी मशीनरी है, कितने की है, 10 लाख रुपए की, क्या, क्योंकि इसने जो कंपनी ए ने जो मशीनरी अपना परचेज किया था वो किस समय परचेज किया था, वो आज से हम मान लेते हैं कब, 5 साल पहले ही परचेज किया था, 10 साल मान लेते हैं, 10 साल पहले परचेज किया था, ठीक, मतलब 10 ईयर ओल्ड है कि है मशीनरी है 10 ईयर ओल्ड, और ये जो मशीनरी है वो न्यू मशीनरी है, न्यू है, यानी ये आफ्टर 10 ईयर, माने ये हम मान लेते हैं ये 2010 में खरीदी गई मशीनरी थी, और एक क्या एक खरीदी जा रही है जो मशीनरी है ये 2020 की मशीनरी है, ओके, ऐसा हम मान लेते हैं। देखिए अब यह डिप्रिसिएशन, हम मान लेते हैं दोनों कंपनियां डिप्रिसिएशन चार्ज करती हैं एट द रेट ऑफ 10% की रेट से, 10% की रेट से SLM मेथड से और डिप्रिसिएशन चार्ज करती हैं, तो 10% की रेट से एक कितने इसका जो डिप्रिसिएशन बनेगा, डिप्रिसिएशन बनेगा वो हो जाएगा 20,000 रुपीज डिप्रिसिएशन, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा, ठीक। और अगर ये 10% के रेट से अपना डिप्रिसिएशन चार्ज करेगी, तो देखिए ये जो मशीनर है ना, ये मशीन सेम है, क्वालिटी इफिशियंसी में सब सेम है, ये दोनों मशीनें क्या है, सेम है, इनका प्रोडक्शन भी मतलब दोनों मशीनें सेम प्रोडक्शन करती हैं, सेम क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाती हैं, उनका सेम इफिशियंसी है, सेम पावर फ्यूल कंजम्पशन है, अरे वो मशीनें क्या है, दोनों मशीन सेम है, सिर्फ इनकी प्राइस में चेंजिंग हुई है, ठीक है। तो और ए डिप्रिसिएशन चार्ज करता है कितना, 10% की रेट से 1 लाख रुपये डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा, किस साल, 2020 में। अब देखिए हुआ क्या, अब हमारे पास कंडीशन, देखिए अब यही समझिए कि ये अनरियलिस्टिक प्रॉफिट कैसे है, और ये देखिए ये दिखाएगा, ये जो कंपनी ए है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 रुपये क्या दिखाएगी, डिप्रिसिएशन दिखाएगी, 20,000 रुपये डिप्रिसिएशन दिखाएगी, और लेकिन
ये जो मशीन है, ये जो कंपनी बी है, वो 1 लाख रुपये डिप्रिसिएशन दिखाएगी। इसका मतलब जो ये प्रॉफिट, जो इसका मतलब जो बैलेंस बच रहा है 80,000 रुपये, वो हमारा प्रॉफिट का पार्ट हो जाएगा, प्रॉफिट का पार्ट हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है। ये हमारा एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है। क्यों एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है, अगर सपोज करिए अगर ये 2020 में अगर ये भी एक न्यू मशीन खरीदा होता तो ये भी 1 लाख रुपये अपना डिप्रिसिएशन चार्ज किया होता। अगर 1 लाख डिप्रिसिएशन चार्ज किया होता तो उसके पास ये 80,000 रुपये का प्रॉफिट अराइज नहीं हुआ होता। लेकिन ये अब इसके पास 80,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट शो कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या करेगा, अब ये 80,000 रुपये प्रॉफिट जो है वो अनरियलिस्टिक प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट का अपने डिस्ट्रीब्यूशन वो करेगा किस नाम से, डिविडेंड के रूप में दे देगा। ठीक, डिविडेंड या इनकम टैक्स पर, इस पर इनकम टैक्स का पेमेंट भी करना पड़ेगा, और जो हमारे लेबर होते हैं उनको इसमें से हो सकता है बोनस भी देना पड़ जाए। ठीक है, इस तरह की कंडीशन आ सकती है, जो कि कहाँ से होगा, उसको कैपिटल का, कैपिटल से देना पड़ेगा, यानी कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन पहले वाले केस में। इसलिए बताया गया है जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता है तो इस तरह का कंडीशन हो सकता है कि जो हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारा जो प्रॉफिट शो करता है वो अनरियलिस्टिक हो, वो अनरियलिस्टिक हो। ठीक, तो बताया गया है कि अगर इस तरह की कंडीशन हो तो हम क्या करेंगे, अपना इन्फ्लेशन अकाउंटिंग प्रयोग करेंगे। और बताया गया है सेकेंड कंडीशन, देखिए बताया गया है सेकेंड बताया गया है वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट आर अनरियलिस्टिक। अच्छा, हमारी जो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट होती है ना वो भी अनरियलिस्टिक होती है। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारा बैलेंस शीट दिया गया है, बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड। ठीक, इसमें जो ये हमारी एसेट है, जो ये हमारी एसेट दिखाई गई है, इनकी जो वैल्यू है ना वो भी अनरियलिस्टिक है। क्यों अनरियलिस्टिक है, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट हमारा है 2020 का बैलेंस शीट है हम मान लेते हैं। ठीक, लेकिन ये जो फर्नीचर बिल्डिंग मशीनरी ये जो परचेज की गई थी ना, ये आज से करीब मान के चलिए 10 साल पहले ही परचेज कर ली गई थी, 10 ईयर्स एगो या ओल्ड ये सब मशीनें हैं। लेकिन अगर यही मशीन अगर बाजार मूल्य में, अगर आज इसका अगर हम बाजार मूल्य अगर इसका देखना चाहें तो ये जो फर्नीचर है ना, फर्नीचर का जो ये मूल्य है ना वो आज है 2 लाख रुपये मार्केट में। ठीक, जो बिल्डिंग है ना हमारे पास जिसको हम अपने ओल्ड मतलब इस बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं 2 लाख रुपये का ना, वो एक्चुअल में 2 लाख रुपये का नहीं है, वो 10 लाख रुपये का है। ठीक, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपये है, और जो ये मशीन हमारे पास है ना इसकी एक्चुअल में मार्केट जो वैल्यू है ना वो 5 लाख रुपये है। ठीक, इसलिए कहा गया है जो ये एसेट है ना, जो एसेट की यहाँ पर वैल्यू दिखाई गई है ना, ये भी क्या है अनरियलिस्टिक है। अब क्या होता है देखिए, इसका मतलब फायदा क्या होता है इन्फ्लेशन अकाउंट का। सपोज करिए हमारे पास ये बैलेंस शीट है, अब हमारे कंपनी में कोई इन्वेस्टर आता है इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करना चाहता है सिक्योरिटी में, इक्विटी शेयर में या डिबेंचर में, जिसमें भी हो, या प्रिफरेंस शेयर में वो इन्वेस्ट करना चाहता है हमारे कंपनी में। और वो इन्वेस्ट करने से पहले वो देखना चाहता है कि हमारे बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, हमारा बैलेंस शीट मतलब सही है गलत है, हमारा बैलेंस शीट मतलब प्रॉपर है कि नहीं, हमारा बैलेंस शीट में जो एसेट है वो क्या मतलब उनका जो मूल्य है वो उचित है, मतलब कंपनी की स्ट्रेंथ जो होती है उसकी स्थिति जो होती है वो क्या है कैसी है देखता है कंपनी। तो वो देखता है आपके कंपनी में तो सिर्फ 50,000 रुपये का फर्नीचर ही पड़ा हुआ है, 2 लाख रुपये की बिल्डिंग पड़ी हुई है, 1 लाख रुपये का फर्नीचर है, और हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी कंपनी की कैपिटल क्या है बहुत कम है, आपकी कंपनी की एसेट बहुत कम है, इसलिए हम आपके कंपनी में अब इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो चला जाता है। और दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि यह कंपनी जाती है बैंक के पास, और बैंक के पास जाकर कहती है कि हमें लोन चाहिए, कितने का, 10 लाख रुपये का हमको लोन चाहिए। अच्छा, तो बैंक वाला कहता है कि ठीक है आप हमें सिक्योरिटी दिखाइए, सिक्योरिटी दीजिए। तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट ले जाती है और कहती है कि देखिए ये हमारी बैलेंस शीट है हमारे कंपनी की, और इसी इसी के ऊपर हमको लोन दे दीजिए, लोन हमें चाहिए।
तो लोग बैंक वाला कहता है, अरे आपके कंपनी में तो एक का है 3,50,000 या 52,000 का आपके कंपनी में एसेट ही है, तो हम आपको 10 लाख रुपए का हम कैसे आपको लोन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं ना। तो एक कहता है कि नहीं, ये हमारा जो है ना हिस्टोरिकल कास्ट पर है, अगर लेकिन हम इसको मार्केट वैल्यू पर अगर दिखाएं तो इसकी कीमत हमारी 10 लाख से अधिक हो जाएगी। कहता है तो बैंक कहता नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं, हम ऐसा नहीं मानेंगे। अगर आपको ऐसा दिखाना हो तो जाइए आप अपना एक न्यू बैलेंस शीट बनाकर लाइए, तब हम मानेंगे कि नहीं आपके पास कैपिटल या एसेट 10 लाख से ऊपर की पड़ी हुई है। तो देखिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का हमें ये बेनिफिट मिलता है। अब आइए देखते हैं डिफरेंस बेस। अच्छा डिफरेंस बेस का मतलब क्या, डिफरेंस बेस से हमारा मतलब ये है कि जो कंपनी का पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है बनाया जाता है एंड बैलेंस शीट जो बनाई जाती है, इसके इसको बनाने का जो इसका बेस होता है ना वो भी डिफरेंस होता है। इनका बेस जो होता है बनाने का वो भी डिफरेंस होता है, क्योंकि जो बैलेंस शीट हमारी बनाई जाती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बनाई जाती है। किस पर बनाई जाती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बनाई जाती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बनाई जाती है, ठीक। लेकिन जो एक पीएनएल अकाउंट हमारा बनाया जाता है एक करंट कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट दोनों पर बनाया जाता है, मतलब कुछ इसमें एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम करंट प्राइस पर या करंट कॉस्ट पर मेजर करते हैं, और कुछ एक्सपेंसेस जैसे डिप्रिसिएशन हो गया इसको हम हिस्टोरिकल पर ही दिखाई देते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाते हैं, ठीक। तो इनके ये जो है ना इसका जो ये बनाने का पीएल अकाउंट बनाने का बैलेंस शीट बनाने का एक डिफरेंट डिफरेंस बेस भी है, मतलब इनका बेस भी हमारा डिफरेंस है। कुछ जैसे स्टॉक होता है स्टॉक का वैल्यूएशन करने का हमारा बेस अलग है, कॉस्ट अकाउंट फिर उसके बाद एमआरपी विच एवर लोअर, ये मतलब डिफरेंट डिफरेंस हमारा बेस है। डिप्रिसिएशन करने का हमारा बेस अलग है, मतलब स्टॉक जो हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने का अलग है। रेवेन्यू को जनरेट मतलब रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने का बेस हमारा अलग है, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने का बेस हमारा अलग है, कैपिटल एसेट को रिकॉर्ड करने का बेस हमारा अलग है। तो इन बेस की अलग अलग होने की वजह से भी क्या होता है, हिस्टोरिकल अकाउंट इम्प्रॉपर हो जाता है। बताया गया है इन हिस्टोरिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फिक्स एसेट आर शो एट हिस्टोरिकल कॉस्ट पर शो किया जाता है, वेयर एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम आर टेकन करेंट प्राइस पर, ये शो किया जाता है। यानी बेस क्या हो गया हमारा, दोनों डिफरेंस का हो गया। दस डिफरेंट बेस एडॉप्टेड आर नॉट डिजायरेबल फॉर हैविंग करेक्ट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। एंड जब हमारा बेस अलग अलग हो गया तो हमारा बिजनेस क्या होगा वो रिलायबल इंफॉर्मेशन हमें नहीं प्रोवाइड कर सकता है। तो रिलायबल इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की हेल्प से हमें रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक। आइए अब हमारा फोर्थ पॉइंट है मिसलीडिंग इंटर पीरियड एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। अच्छा इंटर पीरियड कंपैरिजन करना हो किसी फर्म का, इंटर फर्म इंटर पीरियड कंपैरिजन करना हो या इंटर फर्म कंपैरिजन करना हो किसी फर्म का, उसमें भी क्या करता है, मिसलीड करता है हमें हिस्टोरिकल अकाउंट। कैसे बताया गया है, फॉर द पर्पज ऑफ इंटर पीरियड एंड इंटर फर्म कंपैरिजन रेशियो आर टू बी कैलकुलेटेड फाइनेंशियल रेशियो कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट विल नॉट गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अच्छा जो देखिए हमारे जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, बैलेंस शीट एक का बनाई जाती है हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर बनाई जाती है। अगर हमें कोई रेशियो कैलकुलेट करना हो, फाइनेंशियल रेशियो कैलकुलेट करना हो जो कि बैलेंस शीट के बेसिस पर हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो हमको कैलकुलेट करना हो, या डेप्टर रेशियो हमें कैलकुलेट करना हो, या फिर उसके बाद तमाम तरह की जो होती है फाइनेंशियल रेशियो कैलकुलेट हम करते हैं वो जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर होता है। माने हमारा डेटा क्या होता है, डेटा हमारा बहुत ओल्ड होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, इसका मतलब डेटा हमारा बहुत ओल्ड है, आज से 4-5 साल पुराना हमारा डेटा है और उसी को हम लेते चले आ रहे हैं, ढोते चले आ रहे हैं अभी तक। तो उसके बेसिस पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम कोई रेशियो एनालिसिस करते हैं तो जो हम वो डिसीजन मेकिंग के लिए अनप्रॉपर होगा, इम्प्रॉपर होगा, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं होगा। तो प्रॉपर कब होगा बताया गया है, जब हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से अकाउंटिंग अपनी करेंगे तब हम उससे अगर उस बैलेंस शीट के आधार पर अगर रेशियो हम कोई कैलकुलेट करते हैं तो रेशियो हमारे लिए
सही होगी, उससे हम कोई डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। बताया गया है डिफिकल्ट रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट, इसका मतलब आप समझिएगा। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। इन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट द डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। अच्छा, डिप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज किया जाता है इन हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में। बताया गया है विल इन इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इज इंक्रीज्ड, द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज नॉट सफिशियंट टू रिप्लेस कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट फिक्स एसेट। बताया गया, जैसे देखिए एक हमारा बैलेंस शीट है, ठीक, इसमें एक एसेट शो कर रहा है, एसेट का नाम है फर्नीचर, हम मान लेते हैं ना, कितने रुपए का है, 2 लाख रुपए का शो कर रहा है, यानी ये फर्नीचर 2 लाख रुपए में परचेज किया गया था, 2 लाख रुपए में परचेज किया था गया था, और हम ऐसा एस्टीमेट लगाते हैं जब परचेज किया गया था फर्नीचर, तो हम ऐसा एस्टीमेशन ऐसा करते हैं कि ये फर्नीचर, इस फर्नीचर की लाइफ कितने साल रहेगी, 10 ईयर्स इसकी लाइफ होगी, 10 ईयर्स क्या होगी इसकी लाइफ होगी, और इसके बाद ये फर्नीचर क्या हो जाएगा इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम 10% की पर एनम से डिप्रिसिएशन एसएलएम विधि से चार्ज करते हैं तो हमें 10 साल में हम 2 लाख रुपए क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे, और 10 साल के बाद हम एक 2 लाख रुपए का एक न्यू फर्नीचर फिर दोबारा परचेज कर पाएंगे, ऐसा हम मतलब अपना एस्टीमेट बनाते हैं, और 10% के रेट से हम डिप्रिसिएशन का चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं इस फर्नीचर पर। लेकिन हुआ क्या, 10 साल बाद हमको ऐसा पता चला, ऐसा होने वाला है 10 साल बाद ये होने वाला है कि ये फर्नीचर अब 10 साल बाद 2 लाख रुपए की नहीं मिलेगी, इन्फ्लेशन की वजह से इसके प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजिंग हो गई है, और 10 साल बाद ये फर्नीचर 10 लाख रुपए की मिलेगी। अच्छा, 10 लाख रुपये मिलेगी। अच्छा, हमने तो यहाँ देखा कि अगर 10% की रेट से अगर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 लाख रुपये हम अरेंज कर लेंगे 10 साल बाद, और हम एक न्यू फरेंज इसी फंड से, डिप्रिसिएशन फंड से मतलब परचेज कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, अब 8 लाख रुपये की डिफिशियंसी हमारे पास हो गई, 8 लाख रुपये हमारे पास कम हो गया। अब इसका अरेंजमेंट हम कहाँ से करेंगे, इसका 8 लाख रुपये का अरेंजमेंट हम कहाँ से करेंगे, क्या अपने कैपिटल को हम रिड्यूस कर दें, अगर हम पहले से ही एक डिप्रिसिएशन फंड बनाए होते जिसमें 10 लाख रुपए हम जमा किए होते तो हमें आज ये दिन नहीं देखने पड़ते ना, आज हमको ये दिन नहीं देखने पड़ते कि 8 लाख रुपए के हमारे पास डिफिशियंसी हो जा रही है। तो कहा गया अगर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के माध्यम से अगर हम अपनी अकाउंटिंग करेंगे तो जो ये डिफिशियंसी हमें मिल रही है 8 लाख रुपये की, ये ऐसा कंडीशन हमें नहीं देखना पड़ेगा, यानी हम शुरू से ही हम क्या करेंगे 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट करते चले आएंगे। ठीक है, तो इसका एक फायदा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मतलब हिस्टोरिकल अकाउंटिंग की एक क्या है, डिफिकल्टी है, और इसलिए इस डिफिकल्टी को फुलफिल करने के लिए हमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फेलियर टू डिस्क्लोज करेंट वर्थ ऑफ द इंटरप्राइजेस। अच्छा, बताया गया है द अकाउंट्स प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट डू नॉट कंसीडर इन्फ्लेशन। क्या करता है, अगर हिस्टोरिकल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करेगा, करता है, जब वो इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करेगा तो जो हमारा बैलेंस शीट होगा वो हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं करेगा, मतलब वो हमारा नेट करंट जो हमारा होता है करेक्ट, हमारा करंट वर्थ जो होता है, करंट हमारी जो वर्थ होती है, संपत्ति होती है, वो इसको वह अच्छे तरह से डिस्क्लोज नहीं कर पाता है, क्योंकि वो तो पुरानी डेटा को ही शो कर रहा है, नई डेटा को तो शो ही नहीं कर रहा है, इन्फ्लेशन को कंसीडर ही नहीं कर रहा है। जैसे हम मान लेते हैं पहले हमारी संपत्ति कितने की थी, 2 लाख रुपए की थी 10 साल पहले, और आज भी वो 2 लाख रुपए पर शो किया जा रहा है बैलेंस शीट में, लेकिन एक्चुअल में उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है, आज 10 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए हो चुकी है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो हमारी नेट वर्थ आज तो हमारी करंट वर्थ कितनी की है, हमारी करंट वर्थ तो 20 लाख रुपए की है ना, लेकिन वो बता के ना रहा है, हमारा हिस्टोरिकल अकाउंटिंग हमारी क्या बता रहा है, सिर्फ 2 लाख रुपए ही बता रहा है।
तो कहा गया हिस्टोरिकल अकाउंटिंग डज नॉट डिस्क्लोज करंट वर्थ ऑफ द इंटरप्राइज। तो इसलिए भी हमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ी। ठीक, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, एजम्पशन इज नॉट वैलिड एज द परचेजिंग पावर ऑफ द रुपीज कॉन्स्टेंट। अच्छा देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग में एक एजम्पशन माना गया है, एजम्पशन ए माना गया है कि जो मुद्रा, जो हमारी मनी होती है, इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है। क्या होता है, जो परचेजिंग पावर होती है उसकी, किसकी, मुद्रा की, वो क्या होती है, वो कांस्टेंट बनी रहती है, हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। लेकिन बताया गया है कि ए एक्चुअल में ए गलत है, ए एकदम गलत है, मुद्रा की वैल्यू, जो मनी की वैल्यू है, वो कांस्टेंट रहती ही नहीं है, उसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता ही रहता है, उनमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता रहता है। कहा गया इसलिए हमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की हेल्प से हमें अकाउंटिंग करने की आवश्यकता है, हमें हिस्टोरिकल अकाउंटिंग की मदद से, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग मतलब हमें ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर पाता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक, तो हम अपने इस लेक्चर में यहीं तक डिस्कस करते हैं, और इसके अगले के टॉपिक को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।